खतरे के निशान से 1.21 मीटर ऊपर बह रही है। चंबल नदी का जलस्तर इस बार खतरे के निशान 129.7 मीटर से करीब 6 मीटर ऊपर है। 135 मीटर तक पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। जो धौलपुर जिले में 24 घंटे से 30 घंटे में प्रवेश कर जाएगा। इसके अलावा गांधी सागर बांध से भी चंबल नदी में पानी छोड़ा गया, जो राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बेरा से होते हुए धौलपुर पहुंचेगा, जिसे लेकर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने अलर्ट जारी किया है। चंबल नदी के तटवर्ती एवं निचले करीब 59 गांव में बाढ़ के हालात पैदा हो सकते हैं। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि हाल ही में कोटा बेराज काली सिंधी गांधीनगर सागर बांध में चंबल नदी में पानी की आवक लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में हुई बारिश का असर पूरी तरह से देखा जा रहा है। कोटा बेराज से रिलीज किया गया पानी सोमवार देर रात धौलपुर जिले की सीमा पर प्रवेश कर जाएगा, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हल्का पटवारी एवं गिरदावर को निगरानी रखने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि धौलपुर, बाड़ी, राजखेड़ा, सरमथुर, उपखंड के करीब 59 गांव चंबल नदी के पानी से प्रभावित हो सकते हैं। प्रशासन के अधिकारियों द्वारा गांव-गांव जाकर लोगों एवं मवेशियों को सुरक्षित रहने के लिए कहा जा रहा है। इसके साथ ही जल स्तर 135 मीटर के ऊपर तक पहुंच सकता है। वर्तमान में चंबल नदी 131 मीटर पर बह रही है, जो खतरे के निशान से 1.21 मीटर है, और ऊपर से चंबल नदी में बढ़ता जल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि नदी के तटवर्ती एवं निचले इलाकों में लोग सतर्क रहें और पानी से दूर बनाए रखें। सड़क एवं रपट मार्गों पर पानी का तेज बहाव होने पर रास्तों को पार नहीं करें। आपातकालीन परिस्थिति होने पर जिला प्रशासन को कंट्रोल रूम को अवगत करवाएं। कोटा बैराज और काली सिंध से पानी के डिस्चार्ज वृद्धि हुई थी, लेकिन आज दिन में आरपीएस से और कोटा बैराज से पानी का डिस्चार्ज काफ़ी कम हुआ है और काली सिंध का में भी पानी का डिस्चार्ज कम हुआ है। कुल मिला के 130.50 मीटर का जो हमारा वर्तमान में स्तर है, और कल तक हम उम्मीद करते हैं कि 136.50 मीटर तक पहुँच जाएगा। सरमुद्रा और अरेगड़ा के कुछ गाँव हैं जिसमें प्रारंभिक तौर पर प्रभावित होंगे। सारी तैयारियाँ कर ली गई हैं और सभी पटवारी, ग्राम सेवक और हमारी जो भी डीजीसी हैं उसके माध्यम से निरंतर तौर पर संपर्क में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए पवन किया गया है। और विशेष रूप से जो पशुधन है उसके लिए कि वो ऐसी स्थिति ना हो कि पानी के बहाव कारण से प्रभावित हो जाए। सड़कों के लिए भी हम लोगों ने जो मार्ग हैं उनको पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को पवन किया गया है कि उनकी पहुँच मार्ग जो है बनाए रखें, और मेडिकल डिपार्टमेंट के माध्यम से भी ऐसे प्रभावित लोग जो कि इलाज में है और आयरिस कैटेगरी में है और जो प्रेग्नेंट वगैरह हैं उनको हम चिन्हीकरण करके उनसे स्थानों ले जा रहे हैं। दवाइयों की उपलब्धता कराई गई है, ब्लीचिंग पाउडर किया गया है, डीएसओ को हमने डीजल, कैरोसिन ऑयल और संसाधन मुहैया।